हमको आज कल है इंतजार। या गाना सुन के आप सबको याद ही आ गया होगा, ये है माधुरी दीक्षित कोहली सॉरी ड्रॉपिंग। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि माधुरी दीक्षित जो हमको आजकल है सॉरी ओया किया था वो आपके सबके साथ शेयर करूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो ये है ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन का पार्ट साड़ी है। आप उन्होंने जो वेयर किया था साड़ी वो थोड़ा सा प्लेन था उसका जो बॉडी है, पर यहाँ पे छोटे 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 डॉट्स हैं। तो इसके बाद आप साड़ी का पूरा लुक देख सकते हो। मुझे तो बेहद ही ज़्यादा पसंद आया, आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। तो साड़ी को हम सबसे पहले घुमा देंगे अपनी कमर में, और घुमाने के बाद इसका जो लेफ्ट वाला साइड है उसका हम 1.5 मीटर रखेंगे, और उसके राइट साइड में हमें ज़्यादा साड़ी रखना है। तो आप देख सकते हो मैं कितना रखी हूँ, आपको बिल्कुल उसी तरीके से ही रखना है। फिर हम बिल्कुल सेंटर में एक टाइट सा नॉट बना देंगे आज यूजल। इसके बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट साड़ी को पीछे की तरफ लेके जाना है जैसे मैं कर रही हूँ। उसके बाद हम जैसे नॉर्मल प्लेट्स बनाते हैं उससे थोड़ा हमें छोटे छोटे प्लेट्स बनाना है, जैसे मैं आपको अभी दिखाऊंगी आपको बिल्कुल उसी तरीके से, जितना जो इसका जो बॉर्डर है उससे भी उसका हाफ प्लेट होगा। तो आप देख सकते हो मैं छोटे छोटे करके प्लेट्स बनाऊंगी, उसके बाद उसको अच्छे तरीके से अपने हाथों पे सेट कर दूंगी। अगर आप चाहते हो आपके रिक्वेस्ट पे ही मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, और यूजर आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने अच्छे तरीके से इसको सेट कर दिया है। फिर हमें क्या करना है, उसको पीछे की तरफ लेके जाना है और हमें एक साइड में उसको टक करना है, बिल्कुल सेंटर में उसको टक नहीं करना है। तो यहाँ तक हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने राइट साइड में। तो राइट साइड में हमें बिल्कुल उसी तरीके से करना है पर उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। और सबसे पहले आपको साड़ी को पीछे की तरफ लेके जाना है, और लेने के बाद उसको फिर से हमें अपने हाथों से ही सेट कर देना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ करके वीडियो में, आपको बिल्कुल उसी तरीके से ही करना है। अगर आप सबने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अच्छी अच्छी टॉपिक पे ऊपर मैं हमेशा से वीडियो लेके आती हूँ जो आप सब रिक्वेस्ट करते हो, और जो डांस रिलेटेड टॉपिक होता है वो मैं ज़रूर लेके आती हूँ। तो आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं सेट कर चुकी हूँ। फिर हमें क्या करना है, अपने हाथों से ही यहाँ पर प्लेट्स बनाना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। प्लेट्स को अच्छे तरीके से सेट करने के बाद हमें क्या करना है, उसको पीछे के साइड पे लेना है, और जहाँ पे हमारा पहला वाला बॉर्डर टकिंग हुआ था उसके आसपास ही हमें उसको टक करना है। तो आप देख सकते हो मैं ऑलरेडी उसको टक कर चुकी हूँ। फिर हमें क्या करना है, उसको सामने की तरफ लेके आना है। सामने की तरफ लेने के बाद उसका जो बॉर्डर है आप देख सकते हो मैं कैसे कर रही हूँ, आपको बिल्कुल अपने हाथों से उसको सेट करना है और पीछे की तरफ उसको घुमा के हमारा जो दोनों प्लेट बॉर्डर है जो हमने कमर में टक किया था उसके अंदर इसको घुमा के लेके ऑपोजिट साइड में आना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं नीचे की तरफ उसको बॉर्डर को खींच के उसको अच्छे तरीके से सेट कर चुकी हूँ, आपको बिल्कुल इसी तरीके से ही करना है। तो सेट करने के बाद हमें सामने की तरफ घूमना है, और सामने हमें जो हमारा स्टोमक के पास छोटे छोटे मतलब प्लेट्स है उससे हमें क्या करना है, जो रेड कलर का बॉर्डर है उसको निकालना है अपने हाथों से ही। और निकालने के बाद ये जो पल्लू मैं पकड़ी हूँ इसको फिर से हमें छोटे छोटे करके प्लेट्स डाल देना है ताकि इसका जो शेप अच्छे तरीके से जो हमारा लुक आ पाए।
और प्लेट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, कमर में साइड में उसको टक कर देना है। पर जब हम टक करेंगे वो बिल्कुल जो बिल्कुल क्लीन लुक नहीं आएगा, क्योंकि आप जाके देख सकते हो माधुरी दीक्षित ने जो साड़ी वेयर किया था वो बिल्कुल क्लीन लुक नहीं आया था, तो ऐसे ही आया था। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। तो यह इसका फाइनल लुक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक में देखना है वो भी मुझे बता देना, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी टॉपिक के ऊपर हमेशा से वीडियो लेके आऊँगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ मिलती हूँ फिर एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए रहती हूँ, बाय बाय।